सब्सक्राइब करें आज़ाद इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। अभी कुछ समय पहले एक ऐसे इंसान का एक बयान आया जिसके ऊपर पूरा संसार थूकता है। ये मेरे हिसाब से तो पूरी जितनी भी कम्युनिटी हैं सभी थूकती हैं। अजरुद्दीन ओवैसी, जिसने सीधे सीधे कहा है कि भारत को हिंदुओं से खतरा है, मतलब कि जो हिंदुत्व है हिंदुओं का उससे खतरा है। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा जो है इंटेंस है ना, वो किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं आज भी अशफाकुल्ला खां, APJ अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिमों का समर्थन करता हूं और उन्हें आदर देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सभी एक कम्युनिटी को ही मतलब जो है कहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इन जैसे जिहादियों के बारे में कहता हूँ, जैसे जैसे मोहम्मद है और अजरुद्दीन ओवैसी जैसे घर के जो घर में आतंकवाद है ना, वो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से है। यहाँ पर अगर आतंकवाद घुसता है ना तो इन लोगों की ही वजह से घुसता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर भारत को किसी से खतरा है ना, तो वो तुम्हारे जैसे जिहादियों से ही खतरा है, हमारे जैसे हिंदुओं से खतरा नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा इंटेंशन किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, इंडोनेशिया में यहूदी बौद्ध सब लड़ रहे हैं, भारत में ही ऐसा क्या है कि जो जितने भी मुस्लिम हैं आराम से रह रहे हैं, जितने भी हिंदू हैं वो आराम से रह रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम या यहाँ के हिंदू इस बात को समझते हैं, कुछ तथाकथित मुस्लिम हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं, जो भारत को अपना देश नहीं मानते हैं, भारत को अपनी माता नहीं मानते हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं। पर उनमें भी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अशफाकुल्ला खां के जैसे हैं, जो APJ अब्दुल कलाम के जैसे हैं। तो ऐसे लोगों को जो देश के समर्थन में हैं, ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, उन लोगों को मैं सर झुका के नमन करता हूँ। पर जो ऐसे लोग हैं जो जिहादी सोच रखते हैं, जैसे कि जैश मोहम्मद जैसे लोग और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरहानवानी की सोच रखते हैं, उन लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों का जवाब आप लोग हैं। अगर आप लोग उनके विरोध में खड़े होंगे तो ज़िंदगी में कभी किसी की मजाल नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर कभी आक्रमण कर सके। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों से कश्मीर भी छीन लिया गया, बांग्लादेश भी छीन लिया गया, भूटान भी छीन लिया गया, ईरान भी छीन लिया गया, पाकिस्तान भी छीन लिया गया, और आज जो है बंगाल की भी छीनने की बारी है। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप लोगों को विरोध में खड़ा होना है, मेरे अकेले विरोध में खड़े होने से कुछ नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार जय हिंद, वंदे मातरम।